Pradesh has decided to conduct COVID tests on people coming from Delhi as the national capital struggles to contain the surge in COVID cases. The state's chief secretary announced testing of people coming in via flights, trains or buses. But how will this be implemented on the ground, especially at UP's chaotic bus stations that see a huge influx of people coming in? Alok Pandey does a reality check. At this government bus station in West UP's Hapur, less than 80 kilometers from Delhi, health worker Bhupendra Singh has received orders to test passengers coming in from Delhi, but says at the moment, testing is mostly voluntary. Sir, ऐसे कैसे चिन्हित कर रहे हैं आप लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं उसकी टेस्टिंग के लिए? क्योंकि वहाँ पर सुना है लॉकडाउन लग रहा है और बीमारी बढ़ने वाली है, तो इस करके जो भी प्रावधान हमारे सीएमओ मैडम ने करा रखा है उनके अनुसार हम की जा रहे हैं। At Hapur, another hitch. Many buses coming in from Delhi are dropping off passengers outside the bus station. A daily routine, but tricky when specific passengers need to be screened. दिल्ली से आने वाली सवारी जो है बस अड्डे से पहले ही उतर जाती है और बस आपकी पूरी खाली आती है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप उसी के लिए तहसील किराया जो चुना गया है जो बस अड्डे के बाहर है, जो हापुर का मेन पैसेंजर पिकिंग पॉइंट, पिकिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट है, तो वहीं पर कैंप लगाया जाएगा जिससे सभी यात्री है उसमें हमारे चेकअप हो जाए दिल्ली से आने वाले। 150 किलोमीटर अवे एट द बिजियर सहारनपुर बस टर्मिनल, पैसेंजर्स क्लेम देयर इज नो टेस्टिंग ऑन ऑफर। आप, मैं लोनी से आया हूं दिल्ली बॉर्डर के, पहन रहे हैं चेकिंग वेकिंग तो कहीं नहीं हुई है अभी तक। हाँ, अभी कहते हैं हरिद्वार जाने के लिए अभी सहारनपुर आना पड़ा है, अब यहाँ से फिर निकलेंगे और वैसे ही खतरा तो लेने पड़ता है इस मामले के अंदर, यात्रा है जाना था हमें, ऐसी बात नहीं है, चेकिंग वेकिंग तो यहाँ कुछ है ऐसा कुछ नहीं है। एट लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन, फ्यू मास्क एंड इवन लेसर सोशल डिस्टेंसिंग। So we are at Alambagh, which is Lucknow's main bus terminal. So there are some facilities here for COVID examination or testing. For instance, at the entry, there is a booth here where people are taking down names and numbers of random people, and there's also a way to carry out antigen tests. पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई आदेश या पिछले 24 घंटे में आपको आया हो कि जो बसें दिल्ली से आ रही हैं वो अलग से आपके पास उनके पैसेंजर्स को लाया जाएगा, या ऐसा कुछ अभी तक बताया गया है? ऐसा मुझे कोई उसमें मिला नहीं सर, अभी नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक हम लोग जो है ऐसा करते हैं क्योंकि हमने डेली न्यूज में पेपर में सब देखते रहते हैं कि दिल्ली में पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो खासकर हम पहले से ही जी तो अपना करते हैं क्योंकि हमको पहले से सबको अपना यूपी को तो देखना है। यूपी गवर्नमेंट सोर्सेज से दी एफर्ट टू स्क्रीन पैसेंजर्स फ्रॉम दिल्ली विल बी स्ट्रीमलाइंड सून। With Mohammed Adnan in Hapur and Ashok Kashyap in Saharanpur, this is Alok Pandey, NDTV.